वेलकम स्टूडेंट्स, डायनामिक कैड में हम आज देखेंगे कि ऑटो कैड के अंदर लाइन टैब लेयर किस तरह से वर्क होता है, उनका यूज़ क्या है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, और उसका डिटेल के अंदर आज हम उसका लेसन लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें लाइन टैब लोड करना पड़ेगा। इसके लिए LT उसका शॉर्ट कमांड है, या फॉर्मेट लाइन टैब में से भी हम जा सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट लाइन टैब LT उसका शॉर्ट कमांड है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटिन्यू लेयर जो रहती है, कंटिन्यू लाइन टैब जो रहती है, वो पहले से लोड रहती है। अब हमें और लोड करना है, फ़िलहाल हमें यूज़ करेंगे लोड सेंटर, ये सेंटर लिया, ओके। फिर लोड डैश, ओके। अब हमने लाइन टैब लोड कर दिया है, ओके। अब हम लेयर लोड करेंगे। अभी अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग लेयर्स यूज़ होते हैं और उसके कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमें अभी जो है लेयर, अगर एक बेसिक ड्राइंग के लिए बनाना है तो कम से कम 6 लेयर की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम 6 लेयर बनाएंगे। यहाँ से न्यू लेयर है, Alt+N प्रेस करेंगे तब भी, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है। अभी कंटिन्यूस के लिए CON हमने शॉर्ट दिया है, CEN। दूसरा, मैं इसके न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए एक शॉर्ट की बताऊंगा मैं, जो कि कॉमा है। अभी आप कॉमा टाइप करेंगे तो एक नई लेयर आ गई। अभी सेंटर हो गया है, डैश कॉमा डायमेंशन कॉमा टेक्स्ट कॉमा हैच। तो इस तरह से हमने ये 6 लेयर बना दिए। आपको यहाँ पे ये लेयर्स तैयार हो गए। अगर आप कॉमा नहीं टाइप करना चाहते तो यहाँ से आप Alt+N भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या न्यू लेयर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, इसका सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे। हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, कोई सेंटर को कोई कलर देता है तो कोई और दूसरा कलर देता है। वो जो भी आपका स्टैंडर्ड, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पर जो बेसिक कलर्स है वही यूज़ कर रहे हैं और उन्हें जो है दे रहे हैं। डार्क कलर यूज़ ना करें, जैसे डार्क ब्लू। हमारी स्क्रीन अगर ब्लैक है तो उसके पीछे डार्क ब्लू जो है वो नज़र नहीं आता, इसके लिए हम उसको डार्क ब्लू नहीं रखेंगे। अब सेंटर लेयर है तो उसकी लाइन टाइप जो रहेगी वो सेंटर रहेगी, और इसका अपीयरेंस भी हमें समझ में चाहिए कि सेंटर का अपीयरेंस कैसा रहता है, कंटिन्यूस का कैसा रहता है, डैश का कैसा रहता है। जैसे सेंटर का अपीयरेंस एक लॉन्ग डैश रहती है, फिर स्पेस रहती है, फिर शॉर्ट डैश रहती है, फिर स्पेस, फिर लॉन्ग, इस तरह से ये रिपीट होते जाता है, तो इसे हम सेंटर कहेंगे। कंटिन्यू तो सॉलिड लाइन रहती है, पूरी कंटिन्यूस रहती है। डैश एक डैश रहता है, फिर गैप, फिर डैश, फिर गैप, फिर डैश, इस तरह से इसको डैश लाइन बोलेंगे। इसको हिडन ऑब्जेक्ट्स बताने के लिए ये यूज़ होता है। तो हमने अभी देखा है नाम कैसे देना है, उसका कलर कैसे चेंज करना है, और उसका लाइन टाइप, यहाँ पे जो है लाइन टाइप कैसे उसका चेंज किया जाता है। दूसरा उसका होता है लाइन वेट, मतलब लाइन की थिकनेस। अब मैं ये जो फॉलो कर रहा हूँ वो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, इसका लाइन वेट की वैल्यूज़। जैसे सेंटर को मैंने ये दिया 0.13, और मैंने कंटिन्यूस को 0.35, और डैश के लिए 0.13, एंड डायमेंशन के लिए मैं दूंगा 0.05, और हैच के लिए भी 0.05, और टेक्स्ट के लिए 0.13, ठीक है। जैसे ये लाइन टाइप हम दे रहे हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना बोल्ड हमें शीट के ऊपर प्रिंट के वक्त नज़र आएगा, जिसकी कम है वो कम थिन नज़र आएगा, और ज़्यादा है वो थिक नज़र आएगा। और ये ट्रांसपेरेंसी है, उसे नॉर्मली 0 रखते हैं। अगर उसको हम ट्रांसपेरेंसी कम करना है उसकी, तो यहाँ से हम ये इस तरह से इस वैल्यू में कम कर दें, 10 उससे कम होगा, उससे कम, जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपेरेंसी उसकी कम होती जाएगी, मतलब विजिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ विजिबिलिटी कम होकर उसको हम दिखना जो है मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके प्लॉट और अनप्लॉट को देखेंगे हम। अभी समझो कंटिन्यूस लेयर है लेकिन डिस्प्ले में नज़र आ रही है, लेकिन प्लॉटेबल उसको हमने ऑफ कर दिया, तो वो प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे जो है प्रिंट के अंदर हमारे को नज़र नहीं आएगी। तो कोई रेफरेंस के लिए हमने ऑब्जेक्ट या ब्लॉक डाला है और उसको कोई नई लेयर के अंदर रख के हम उसको अनप्लॉटेबल करते हैं, तो बस वो हमारे को डिस्प्ले में नज़र आएगा लेकिन प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आएगा। दूसरा होता है ऑन ऑफ। ऑन ऑफ, अगर हमने कंटिन्यू लेयर को ऑफ कर दिया तो उसको वो हमें जो है शीट के ऊपर नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ लाइन, यहाँ पे मैंने बना दिया, और सेंटर भी बना रहा हूँ,
मैंने सेंटर बना दिया यहाँ पे सेंटर। अब अगर मैं फॉर्मेट ले रहा एल ए एंटर शॉर्ट कमांड इसका है, अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ उसको, ठीक है, तो इसको वो करंट होने की वजह से, अब सेंटर लेयर में ऑफ कर रहा हूँ तो करंट होने की वजह से वो मुझे पूछ रहा है कि टर्न द करंट लेयर ऑफ, ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट फ्रॉम नाउ ऑन विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द ड्राइंग अंटिल यू टर्न द लेयर बैक ऑन। ओके करता हूँ तो ये हमारी सेंटर लेयर चली गई, अब ये ऑन करने के बाद वो आ जाएगा। अब अगर कोई लेयर करंट है और ऑफ है और हमने यस कर दिया है तो अब जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो बनेंगे लेकिन वो ऑफ रहेंगे, जब ऑन करेंगे तब दिखाई देंगे इस तरह से। और उसी तरह से अगर कंटिन्यू ऑफ कर दें तो वो ऑफ हो जाती है, वो जो है फौरन ऑफ हो जाती है क्योंकि वो करंट लेयर नहीं है। दूसरा है फ्रीज, फ्रीज भी कर दे तो ऑफ हो जाए, लेकिन अगर करंट लेयर को हम फ्रीज करने जाएंगे तो दिस लेयर कैन नॉट बी फ्रोजन बिकॉज इट इज़ द करंट लेयर। तो करंट लेयर जो रहती है वो फ्रीज नहीं होती है, वैसे देखा जाएगा तो उसका जो है रिजल्ट एक ही नज़र आता है, लेकिन अगर मैं समझो कोई लेयर फ्रीज है और मैं इरेज करूँ ऑल तो बाकी सब इरेज होगा, लेकिन जो फ्रीज की हुई लेयर है वो इरेज नहीं होगी, तो ये एक डिफरेंस है उसके अंदर। और करंट लेयर जो रहती है वो फ्रीज नहीं होती है। दूसरा इसके अंदर लॉक रहता है, लॉक करने की वजह से जिस लेयर को लॉक किया है वो सिलेक्ट नहीं होती है, मूव भी नहीं होती है, इससे कोई भी कमांड उसके ऊपर जो है ऑपरेट नहीं होता है जब तक कि उसे हम अनलॉक ना कर दें। तो ये हमारा लेसन था लाइन टाइप लेयर के बारे में, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अब तक अपने सब्सक्राइब न किया होगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।